हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 वेज टू अर्न मनी फ्रॉम अमेज़न। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो लोगों का एक पसंदीदा काम जो है बन चुका है। लोग ऑफलाइन शॉपिंग के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि हर एक सामान जो है आपको घर बैठे बैठे मिल जाता है। दूसरा रीज़न है कि सेल भी टाइम टू टाइम आती रहती है, जिससे आपको प्रोडक्ट्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और तीसरा रीज़न आजकल हमें इस ईयर जो है ये देखने को मिला है कि जब से कोरोना महामारी आई है तो इस पैंडेमिक में लोग बाहर जाकर शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं। सेफ्टी रीज़न से वो अपने घर पर ही बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग जो है कर लेना चाहते हैं। तो इस तरह क्या है कि जो भी ये साइट्स हैं, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके ज़रिए जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग जो है अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप अमेज़ॉन से सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अमेज़ॉन से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम 10 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। तो अमेज़ॉन से पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग, यानी जिसमें आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट को जो है बेचकर अपना कमीशन से जो है अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अमेज़ॉन जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसके लिए आपकी जो अपनी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप है, ट्विटर प्रोफाइल है या फिर कोई भी दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन कर सकते हैं और उसे बेचकर अर्निंग कमा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपनी वेबसाइट या जो भी ब्लॉग है आपका, उसके जो व्यूअर्स होंगे, फॉलोवर्स जो आपके होंगे, उनके हिसाब से आप एक या एक से ज़्यादा देशों के लिए भी अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम में जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग से एफिलिएट लिंक मिलेगा। अब आप उस प्रोडक्ट को अपने तरीके से अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे जो है प्रमोट कर सकते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर आपके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया एफिलिएट लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके अगर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो ऐसी कंडीशन में आपको उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से 10-20% तक का कमीशन जो है इजिली मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लोग आपके द्वारा जो शेयर किया गया एफिलिएट लिंक है किसी प्रोडक्ट का उसको क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा और आपकी अच्छी खासी अर्निंग जो है हो जाएगी। सेकंड आता है अमेज़न फ्लेक्स। तो अमेज़न फ्लेक्स नाम का जो प्रोग्राम है ये भी पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से हर वो व्यस्क व्यक्ति जो है पैसा कमाने के लिए एलिजिबल है जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा खुद का वाहन हो। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि जो अमेज़न होता है वो लोगों को जो भी उनका सामान होता है उसको पहुंचाने के लिए जो कस्टमर्स का एड्रेस होता है वहां पे डिलीवरी की जाती है, डिलीवरी कराता है। तो इसलिए कंपनी के द्वारा जो है आर्स के आधार पे जो है भुगतान किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अमेज़न फ्लेक्स के जरिए ये डिलीवरी वाला काम करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो अमेज़न फ्लेक्स से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको जो इसकी ऐप है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद इसी ऐप के थ्रू जो है अपनी जितनी भी आपकी डिटेल्स होगी वो सब भर के जो है आपको अप्लाई करना होगा और जब कंपनी के द्वारा आपका एप्लीकेशन रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो है आप डिलीवरी करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। थर्ड आता है अमेज़न किंडल के माध्यम से। तो अमेज़न क्या करता है कि जो भी राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं और उद्योग विशेषज्ञ होते हैं या फिर अन्य कोई इसी तरह के जो पेशेवर होते हैं जो अपने लेखन कार्य को प्रकाशित करना चाहते हैं तो उनको भी एक बेहतरीन अवसर जो है प्रदान करता है। तो अगर आप भी कोई लेखक हैं, कवि हैं या फिर कोई
ऐसे पेशेवर व्यक्ति हैं जो दूसरे इंसान को जो है कुछ विशेष स्किल्स सिखाने का टैलेंट रखता है, तो फिर आपके लिए भी पॉसिबल है कि आप अमेज़न का जो सेल्फ पब्लिश प्रोग्राम है उससे जो है पैसे कमाएं। इस प्रोग्राम के तहत जो भी पब्लिश हुई कोई भी प्रिंट बुक या इलेक्ट्रॉनिक बुक की जो बिक्री होगी वो अमेज़न आपको जो है 80% तक की रॉयल्टी उसमें देता है, और अमेज़न के माध्यम से आप ऑडियो बुक भी जो है बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी राइटिंग में रुचि है तो आप भी अपने लेखन कार्य को जो है अमेज़न की मदद से विश्व भर के लोगों तक इजीली जो है पहुंचा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग सुविधा के तहत आप कोई भी किताब लिख सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है उसको ऑनलाइन जो है पब्लिश भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो भी ये बुक होगी जो आपने पब्लिश की है वो अमेज़न के माध्यम से 24 से 48 घंटों के भीतर अमेज़न के जो वैश्विक नेटवर्क है वहां पे ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है तैयार हो जाती है। और जैसे बुक्स की जो कुछ लोकप्रिय श्रेणियां होती हैं, जैसे आपका साहित्य हो गया, कॉमिक्स हो गया, फिक्शन हो गया, या आपका टेक्निकल हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड है, रोमांस, साइंस से रिलेटेड, तो वो सब जो है आप अमेज़न KDP का यूज करके जो है उसको पब्लिश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपने बुक लिखी है उसका जो रेट है वो तय कर सकते हैं, और अमेज़न जो है आपकी किताब को सेल करके आपके बैंक अकाउंट में मनी जो है ट्रांसफर कर दे। फोर्थ आता है अमेज़न सेलर बनकर। तो अमेज़न सेलर कैसे बनते हैं ये हम आपको बताते हैं। अमेज़न पे आप अमेज़न सेलर बनके जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अमेज़न की जो साइट है वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप भी वहां पे अपना सामान जो है बेच सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है या फिर कोई भी आपका होम बेस्ड बिजनेस है जिसे अब आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो अमेज़न जो है इसके लिए आपको एक आइडियल प्लेटफॉर्म जो है देता है। तो अमेज़न में विक्रेता बनना और विक्रेता बनकर अपने उत्पादों को बेचना काफी इजी प्रोसेस है। इसमें आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, उसके बाद अमेज़न जो है इन्हें कस्टमर्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही कोई कस्टमर आपका कोई प्रोडक्ट पसंद करता है और उसको खरीद लेता है तो आपको इस बात की सूचना मिल जाती है, और फिर वो उत्पाद जो है आपको पैक करके तैयार रखना होता है। उसके बाद अमेज़न के द्वारा जो है उस प्रोडक्ट को आपसे पिकअप करके जो है कस्टमर के एड्रेस पे जो है उसे डिलीवर कर दिया जाता है, और अमेज़न आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपसे जो है कुछ कमीशन लेगा और बाकी का जो भी पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई दुकान है या कोई शोरूम है तो आप उसका जो प्रचार प्रसार होता है वो अमेज़न पे भी कर सकते हो, और ऑफलाइन के साथ साथ जो है ऑनलाइन कस्टमर बेस भी जो है अपने लिए जोड़ सकते हो। इसके बाद बात आती है फिफ्थ वे की, तो वो है आप जो अमेज़न से कमाई कर सकते हैं वो होता है अपना आर्टवर्क बेचकर, अपना डिज़ाइन बेचकर। तो एक मतलब इसका एक प्लेटफॉर्म है अमेज़न का जो है मर्च बाय अमेज़न। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जिसके माध्यम से आप कोई भी जो रचनात्मक व्यक्ति है वो अपने द्वारा बनाया गया कोई भी डिज़ाइन को जो है पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी सेल कर सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसे कमाने के लिए व्यक्ति का रचनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें व्यक्ति अपना अकाउंट बनाकर अपना जो आर्टवर्क है वो फ्री में अपलोड कर सकता है, और जब भी कोई कस्टमर जो है इस आर्टवर्क को खरीदता है तो आपको आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा। आप टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, अन्य कोई भी परिधान हो गए या फिर किसी अन्य वस्तु के लिए जो है आर्टवर्क तैयार कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई कर सकते हैं। सिक्स्थ वे आता है अमेज़न डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनकर। तो अमेज़न में क्या है कि अमेज़न ने डिलीवरी सर्विस पार्टनर नामक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है, और इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, जो छोटे बड़े सभी वाहनों के मालिक होते हैं वो स्वयं को रजिस्टर कराकर अमेज़न में जो है डिलीवरी पार्टनर की भूमिका निभा सकते हैं। अमेज़न डिलीवरी सर्विस पार्टनर के तौर पर उद्यमी को अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर से ट्रक लोड करके लोकल जो डिलीवरी स्टेशन होता है वहां तक पहुंचाना होता है। सेवन्थ आता है अमेज़न इन्फ्लुएंसर बनकर। तो अमेज़न से पैसे कमाने का ये एक बेहद शानदार तरीका है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वहाँ पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो अगर आप भी इन में से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है काफ़ी पॉपुलर हैं और आपके भी लाखों करोड़ों जो है फॉलोवर्स हैं, तो आप एक अमेज़न इन्फ्लुएंसर बनकर जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इससे अर्निंग करने के लिए आपको अमेज़न जो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है वो किसी क्वालिफाइंग सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसके माध्यम से ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपको अपना स्टोर फ्रंट तैयार करना होता है और अपने फॉलोवर्स के बीच उस
प्रोडक्ट को शेयर करना होता है। और जब कस्टमर के द्वारा आपके स्टोर फ्रंट के माध्यम से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो फिर आपको कमीशन के तौर पर जो है उससे पैसे मिल जाते हैं। 8th आता है अपनी सर्विस बेचकर। तो अमेजोन सेल्स सर्विस जो है के माध्यम से कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति या कंपनी जो है अपनी प्रोफेशनल सर्विस भी बेच सकती है। इसके माध्यम से आप कोई भी सर्विस जैसे हाउसकीपिंग हो गया, शिफ्टिंग हुआ, मूविंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सभी प्रकार की कंसल्टिंग सर्विस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इन सबको बेच सकते हैं। और इनमें कुछ सर्विसेज तो ऐसी भी होती हैं जिनमें जो उद्यमी होता है सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर देशों तक भी इसको बेच सकता है, जैसे कि कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया। इसके बाद आता है अमेजोन में ऐप बनाकर। तो अमेजोन से पैसे कमाने का ये तरीका भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या ऐप डेवलपिंग का काम जो है अच्छे से जानते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो अमेजोन फायर स्टिक टीवी और कोई भी बाकी की जो एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस होती हैं उसके लिए ऐप तैयार कर सकते हैं और फिर उस ऐप को जो है बेच सकते हैं। अमेजोन ऐप स्टोर के माध्यम से अपने ऐप को जो है बेच सकते हैं। फिर 10th आता है अमेजोन डेटा एंट्री करके। तो कस्टमर प्रोडक्ट्स नाम का एक अमेजोन की एक श्रेणी है जिसमें जो भी ज्वेलरी होती है या जो नाम जिसमें मग होते हैं और उसमें नाम लिखा जाता है या मूर्तियां हो गई, पेंटिंग हो गई, फोटो हुई, टी शर्ट या फिर कोई भी बाकी के कोई भी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि सभी उत्पादों पर जो खरीदार है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको ये एज अ गिफ्ट जो है दिया जाना है। तो इस काम के लिए अमेजोन डाटा एंट्री एक्सपर्ट लोगों को हायर करता है। तो अगर आप में भी ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने क्षेत्र भाषा के हिसाब से जो है अमेजोन के लिए डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं तो फिर इससे आप भी अच्छी खासी अर्निंग जो है कर सकते हैं। और अमेजोन के सभी काम जो है आप कहीं पर भी रहकर आराम से जो है कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने की चाहत रखते हैं तो भी इन बताए हुए वेज में से काफ़ी सारे वेज ऐसे हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन के रूप में काम करेंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल UK Video World को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।